जहां बीजेपी के सोम हो वहां विवाद का संगीत ना बजे, ऐसा कैसे हो सकता है? बस मंच मिल जाए और माइक मिल जाए, बीजेपी विधायक संगीत सोम माहौल बना ही देते हैं। फिर चाहे बवाल हो या भूचाल आए, अब तो संगीत सोम ने ताजमहल पर ही तोहमत लगा दी, बोले ये कलंक की निशानी है। आखिर योगी सरकार में क्यों बार बार ताज उछाला जा रहा है? अतीत की भूल ने फिर पकड़ा तूल, बीजेपी विधायक मिटाएंगे मुगलों का मूल, अब बीजेपी विधायक ने उछाला ताज, फिर हुआ विवाद के संगीत का आगाज। अतीत के मूल में जो भूल थी उसने फिर तूल पकड़ ली है। केंद्र से लेकर यूपी तक भगवा दल का राज आया तो अतीत के राज में आवाज उठने लगी, कभी सीएम तो कभी शिक्षा मंत्री, कभी बुकलेट तो अब विधायक विवाद को हवा दे रहे हैं। अब बार बार विवादों में आने वाले बीजेपी विधायक संगीत सोम ने ताजमहल पर तीर चला दिया है और इसे इतिहास का कलंक बता दिया, बोले अब इतिहास बदला जाएगा। बहुत लोगों को बड़ा दर्द हुआ कि आगरा का ताजमहल ऐतिहासिक स्थलों में से निकाल दिया गया। कैसा इतिहास, कहां का इतिहास, कौन सा इतिहास? क्या वो इतिहास कि ताजमहल को बनाने वाले ने अपने बाप को कैद किया था? क्या वो इतिहास कि ताजमहल बनाने वाले ने उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान से सभी हिंदुओं का सर्वनाश करने का काम किया था? ऐसे लोगों को अगर आज भी इतिहास में नाम होगा तो ये दुर्भाग्य की बात है और मैं गारंटी के साथ आपसे कहता हूं कि इतिहास बदला जाएगा। आपको बता दें कि सीएम योगी ताजमहल को भारतीय संस्कृति का प्रतीक मानने से पहले ही इनकार कर चुके हैं। हम उसे कोई गिफ्ट देते थे तो वह गिफ्ट किस रूप में होता था? या तो आगरा का ताजमहल होता था या फिर कोई ऐसी मीनार होती थी जिसके साथ यहाँ की संस्कृति कोई मेल नहीं खाती है। लेकिन पहली बार हुआ है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाहर जाते हैं या कोई बाहर का राष्ट्राध्यक्ष भारत में आता है तो उन्हें गिफ्ट में कुछ दिया जाता है तो श्रीमद् भगवद गीता पुस्तक भेंट की जाती है। ताज को लेकर तकरार तब शुरू हुई थी जब यूपी पर्यटन विभाग की बुकलेट में ताजमहल को जगह नहीं मिली। इसको लेकर खूब सियासी खींचतान हुई। उससे पहले डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा मुगलों के इतिहास को बदलने की बात भी कह चुके थे। अब्दुल हमीद और अशफाक उल्लाह खां हमारे पूर्वज हैं, उन पे हमें गर्व है, ये हमारी परंपरा के हैं। लेकिन अगर कोई आगे कहे कि आप बाबर को मान लो, कोई कहे औरंगजेब को मान लो, तो हम इस चोर लुटेरों को थोड़ी मान लेंगे। ये हमारी संस्कृति के प्रतीक नहीं थे। बाबर एक लुटेरा था ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उनके देश जहां से वो आए थे। अफगानिस्तान में भी आज बाबर की मजार को जो है कुत्ते गंदगी कर रहे थे उस मजार पे, वहां लोग सम्मान नहीं दे रहे, जिस देश का था उस देश के लोग सम्मान नहीं दे रहे। अब संगीत सोम ने तो ताजमहल को भारतीय संस्कृति का कलंक बता दिया, बोले इसका निर्माण गद्दारों ने किया। जवाब में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि क्या पीएम मोदी लाल किले से झंडा फहराना बंद करेंगे? Well, what can one say? It is very sad that a minister who has taken oath on the Indian Constitution, when he speaks, his arrogance, his ignorance of history comes out of his mouth. If what he says is true, that the Taj Mahal is a symbol of traitors, built by traitors, then why is Mr. Modi going to Red Fort and hoisting a national flag on a place which was built by traitors? Will Mr. Modi stop hoisting national flag from a place which is identified built by traitors? संगीत सोम के बयान पर सियासी बहस छिड़ गई और संगीत सोम सियासी दलों के साथ मुस्लिम मौलानाओं के भी निशाने पर आ गए। मुगल बादशाह इसमें मुल्क से लेकर कुछ नहीं गए, बल्कि चाहे ताजमहल हो, चाहे कुतुब मीनार हो, चाहे लाल किला हो, चाहे जामा मस्जिद हो, सब बनवा करके इस मुल्क को दे कर दिया है और इससे आज भी हम लोग फायदा उठा रहे हैं। लिहाजा ये तमाम इमारतें, ये तमाम तारीखी इमारतें हमारे मुल्क की विरासत है,
اس کو غلط طریقے سے دیکھنا لوگوں کی اپنی ذہنیت کی خرابی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ وہی تاج محل جس کو کہ دنیا نے مانا ہے کہ شاید سنسکرتی سے سب سے بڑا پرتیک ہے دنیا بھر میں، اس کو وہ اس طرح سے بات کرتے ہیں۔ یہ ہمارے راشٹرپتی جی جو ہے، راشٹرپتی بننے کے پہلے انہوں نے بھی یہی کہا تھا، اور جو یوگی آدتیہ ناتھ ہیں انہوں نے اپنا کوئی نردیش نکالا ہے کہ تاج محل کا ذکر نہیں ہونا چاہیے ان کے ٹورسٹ بروشرز میں۔ تو یہ آکرمن ہے ہماری ہی لوگوں پر۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈرز جس طرح کی اس استھان کا مخول بناتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، اس پر ٹپنیاں کرتے ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے اس گورومئی اتہاس کو جو ہماری ساموہک وراثت ہے اس کا آدر نہیں کرنا جانتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ ایک بہت ہی سنکیرن سوچ کے لوگ ہیں۔ بھگوا سرکار آنے کے بعد بار بار پرتیکوں کو لے کر سیاست سلگ رہی ہے۔ مورتی، مینار اور مندر بار بار مدے بن رہے ہیں، اتیت بار بار آگے آ رہا ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ بار بار سمویدنشیل مدوں کو سر دے کر سرکار اتیت کی تصویر بدلنے کی تیاری میں ہے۔ بیورو رپورٹ، سماچار پلس۔